भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ अमेरिकी हेलीकॉप्टर चिनूक, और इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर दो पंखुड़ी लगी हुई हैं। पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ नाइट विजन ग्लास और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। चुनावी मौसम में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से दो हफ्ते में बताने को कहा कि उसने दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में क्या कार्रवाई की है। मामले में 12 साल पहले कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने न्यूनतम आय गारंटी देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी जीत दर्ज करती है तो सरकार देश के सबसे गरीब 20% जनता को 72,000 रुपये सालाना देगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी भी आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हेमा मालिनी के साथ मौजूद हैं। दोनों ने साथ मंदिर से पूजा भी की। मथुरा में इस बार हेमा मालिनी का मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरएलडी के उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पाठक से है। सपना चौधरी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सपना बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगी। हालांकि सपना के चुनाव लड़ने पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है।